पैसा वसूले। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। वहाँ बैठे बैठे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये इतने इजी वे में होते, मतलब सर ने समझाया जब इजी लगा, नहीं तो हमको तो समझ में नहीं आता, नुस्खान ही होता था हमारा पूरा, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे जाना है, कितना इनपुट आउटपुट वोल्टेज, मतलब कितनी चीज़ें का उपयोग होता है, वो सारा आईसी में कितना आता है, सीपीयू से क्या आता है, पूरी चीज़ें बताई गई हैं। और उसके बाद डीओएसओ भी हमको चेक करवाएगा जो किए हैं मशीन, इससे काफ़ी यूज़फुल है ये उसके लिए हमारे, मतलब इसके बिना तो काम चलना भी हमारे उसके लिए। एक आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, कि ये खाली आपने किया कि पूरी क्लास ने किया? सर ये वन बाय वन हर एक बच्चे ने एक एक करके टेस्ट किया सारी चीज़ें, इससे का उपयोग जहाँ जहाँ कर सकते हैं, अब वो उपयोग तो यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। आपको कहाँ कहाँ से वोल्टेज आना है, कहाँ कहाँ से आपको फ्रिक्वेंसी आना है, ये पता है आपको? और इसका इस्तेमाल किया है कि नहीं? इसका भी, इसका डीएसओ का भी, इसका फ्रिक्वेंसी के लेने के लिए, फ्रिक्वेंसी के लिए आपने इस्तेमाल किया है? इसका इस्तेमाल किया। आप बहुत सारी जगहों पर डीएसओ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बताना नहीं है आपको कहाँ करना है, आपको पता है? ये पता है। चलिए ठीक है सर, वास्तव में हमें बहुत ही अच्छी, मतलब गहराई से ट्रेनिंग दी जा रही है, बहुत ही अच्छा, हम 100% सेटिस्फाई हैं। चलिए ठीक है, पेट भर के प्रैक्टिकल मिलता है? यस सर। मिलता है कि नहीं मिलता है? एक-एक से प्रैक्टिकल करवाते कि नहीं करवाते? पकड़ पकड़ प्रैक्टिकल करवाते ग्रिप करके? यस सर। चलिए ठीक है, तो क्या बोलना चाहेंगे आपकी देव सर की क्लास के बारे में, आपको क्या बोलना चाहेंगे? एक वैल्यूएबल क्लास मिली कि नहीं मिली आपको? मजा आ गया सर, मजा आ गया। मैं कहूँगा सर वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है सर। चलिए आप देख सकते हैं, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे एक बार और दोबारा से देख लीजिए, इन्होंने ग्राफिक दोबारा से ला दिया। और चलिए फोन को कंप्लीट होने का वेट भी कर लेते हैं, क्योंकि फोन हमारा कंप्लीट चालू था, और देखते हैं पूरा कंप्लीट फोन चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए फोन कंप्लीट चालू हुआ। क्या बोलना चाहेंगे देव सर के लिए, जिन्होंने आपको पूरा आईसी का पैड टू पैड को रीड करना सिखाया है? थैंक यू देव सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अ नॉलेज दैट वी कैन डू सच अ थिंग्स। वी कांट बिलीव दैट वी गाइस आर डूइंग दिस थिंग्स इन सच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट सर, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, थैंक यू। 28 अगस्त के स्टूडेंट जी, नाम बताइए पहले अपना। विजय बैरागी फ्रॉम इंदौर। विजय बैरागी फ्रॉम इंदौर, जी सर। तो विजय क्या कर रहे हो अभी आप? सर 15 वोल्ट की ग्राफिक आईसी का। 15 वोल्ट की ग्राफिक आईसी, ये बहुत इम्पोर्टेंट आईसी होती जी है सर, ये यूनिवर्सल आईसी होती है, बहुत सारे सेटों में मिलती है हमको जी, है ना? तो हम इसको कंफर्म कर रहे हैं जी, है ना? तो सर ने इस टाइप का नॉलेज दिया है कि आप इसको ड्राइंग कर सकते हैं जी सर, बिल्कुल। चलिए ठीक है, हम देखते हैं आप ड्राइंग कीजिए।
सर 15 वोल्ट की ग्राफिक आईसी के लिए हमने पहले डीसी को डीसी आईसी से 5 वोल्ट इसका 4 वोल्ट 4 वोल्ट इसका इस पे क्वाइल का आया सर और इधर अपना स्विचिंग लगा इसको 4 वोल्ट ये भी 4 वोल्ट का ये भी 4 तुम उसके बाद फिर हमें EN E1 पे ग्राउंड मिलेगा उसके बाद D2 पे ग्राउंड मिलेगा और D3 पे ग्राउंड मिलेगा NC हमें 3 मिलेंगे A3 पर C3 पर और D3 तीन NC है इसके बाद आउटपुट वोल्ट हमें एक के लिए EN दिए सर अग्रिम आउटपुट हमें CPU से EN मिलेगा 1.8 B1 लाइन पर और A1 पर मिलेगा CPU से EN सिग्नल 1.8 के बाद आउटपुट हमारे और सर ये CPU से दो लाइन मिलेगी B2 पर SCL 1.8 और दूसरी लाइन C2 पे मिलेगी HDA 1.8 DSO से चेक कर सकते हैं सर दोनों लाइन E2 पे क्या मिलेगा आपको रेफरेंस लाइन E2 पे रेफरेंस E2 पे हमें रेफरेंस लाइन मिलेगी जो कि एक कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड मिलेगा अच्छा और ये सब हो जाने के बाद फिर हमको आउटपुट पे क्या मिल जाएगा आउटपुट मिलेगा सर हमको प्लस 5 वोल्ट और VSP लाइन वोल्ट है सर ये एक डायरेक्ट डिस्प्ले कनेक्टर से कनेक्ट होगा एक कैपेसिटर पैरेलल में लगा रहे हैं उसके बाद आउटपुट मिलेगा एक नेगेटिव A2 लाइन पर 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट ये कनेक्टर पर मिलेगा LCD कनेक्टर तो इस प्रकार से हमारा जी ग्राफिक आईसी तैयार हो जाएगा ठीक है चलो ठीक है एक बार क्लैपिंग कर दो इनके लिए तीन सौ से आठ सौ पंद्रह वोल्ट डेडिकेट है इसी 5 वोल्ट तभी बनेंगे जब दो EN, दो SDI, CL और दो 4 वोल्टेज इन और स्विचिंग टेस्टिंग सबसे पहले टेस्टिंग नोट कर लो साथ में चेक बक कॉइल दोनों वोल्ट कितने वोल्ट 4 वोल्ट 4 दूसरा और उसके साथ में क्या चेक कर सकते हैं DSO क्या नाम है आपका हाँ जी सर जायद याकूब सर थोड़ा सा तेज बोलिए जायद याकूब मीर कहाँ से हैं आप कश्मीर से सर कश्मीर से हैं तो चलिए अभी मैं बात करूँ आज आपका क्या सेक्शन था सर आज हमारा ग्राफिक्स का सेक्शन था सर ग्राफिक्स सेक्शन था तो ग्राफिक्स सेक्शन में सर ने PML
PMI 15 बॉल की, और जिसमें ग्राफिक्स एक्सी नहीं होती है उसका सर्किट सर ने बताया आपको, सारा सर्किट जो सर ने वहाँ पे थ्योरी में बताया था वो चीज़ आपने प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया? हर एक सर्किट का बताया सर, थोड़ा सा तेज बोलिए आवाज़ थोड़ी सी ऊपर। सर्किट का सर बता दिया सर, किसमें PMIC में रहता है, किसमें अलग से ICD होते हैं, ग्राफिक्स एक्सी किसमें 15 बॉल्स की रहती है, किसमें से ज़्यादा बॉल्स की रहती है, वो सब कुछ बता दिया सर। अभी हम सर ग्राफिक्स एक्सी उठाने वाले हैं, फिर इसमें फिर से लगाएंगे, आप देख सकते हो सर। तो यहाँ पे चालू फोन है सर, Y1 का फोन है, ऐसी निकाल के ये पूरा GR शीट बनाने वाले हैं और टेस्ट करने वाले हैं, जो भी चीज़ें सर ने बताया था थ्योरी में वो चीज़ प्रैक्टिकल में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, स्टार्ट करिए, यहाँ पे दिखाइए इधर हो गया सबका चेक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन्होंने ग्राफिक्स ऐसे पूरा डिजाइन कर दिया है बॉल टू बॉल, और इन्होंने इंडिकेट भी कर दिया है कौन सा A1 है, A2 है, कौन सा A3 है, और किस पे क्या क्या इनको GR मिला है। ये OL है, यानी ये हमारी जो लाइन है आउटपुट की लाइन है, इसको आप अच्छे तरीके से समझा पाएंगे कि नहीं समझा पाएंगे? तो एक बार थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए इसको कैसे क्या है, कौन सा बॉल क्या काम करता है। ये हमारी ग्राफिक्स IC है सर, इस पे जो हमारी इनपुट वोल्टेज आती है वो एक कॉइल के थ्रू आती है, कॉइल का जो एक सिरा है वो स्विचिंग लाइन के एक्ट काम करता है 4 वोल्ट पे, और दूसरा जो सिरा है वो इस वाले पॉइंट पे आता है, वो एक और वोल्टेज 1.8 वोल्ट एनेबल वोल्ट आता है, वो आता है CPU से सर, ENN ENP इन दो पॉइंट्स पे आता है सर। इसके बाद जब हमें हमारी ये जो IC जो है ना ये एक्टिवेट करने के लिए होते हैं, इससे हमें चाहिए +5 और -5 वोल्ट सर, और ये दो पॉइंट्स जो है ना ये ग्राउंड रहते हैं सर, और हमारा जो SC और डाटा की लाइन है वो इन दो पॉइंट्स पे आती है, और +5 और -5 वोल्ट की जो लाइन है वो A2 और यहाँ से E3 के पॉइंट्स पे हमें आउटपुट मिलता है, जो हमारे LCD कनेक्टर पे मतलब ज़रूरी होता है सर, ये दो पॉइंट्स ये कंप्लीट डाटा शीट है इस IC की। जगह पे अब मैं PMI का सर्किट दे दूं या फिर कोई सा भी सर्किट दे दूं जो ग्राफिक्स IC बनाती IC हर एक चीज़ कर सकते हैं सर, क्योंकि हमें बेसिक से समझाया गया है कि कहाँ से कौन सी लाइन हमें रिक्वायर्ड है, एक एक पैड का नाम और उसका वैल्यू और कहाँ से जनरेट होता है। अगर डाटा शीट हमारे पास ना भी हो तब भी हम इससे बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया सर अभी, इसकी हमें सारी नॉलेज है, ये कैसे बनाया, अल्फान्यूमेरिकल कैसे गिने, कौन सी
अगर किसी भी कोई भी पैड मिस है तो उस पैड को कैसे गिना जा सकता है और उसे जंपिंग की जा सकती है, ये सारी नॉलेज है सर हमारे पास। चलिए ठीक है, ओवरऑल कैसा रहा क्लास? अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो यहाँ डाटा शीट ना बना पाए ग्राफिक्स आईसी की? चलिए ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे जिन्होंने बनाया है, बाकी सभी लोग बना लेंगे यहाँ पे। तो ओवरऑल अब आप इसकी आईसी लगाने वाले हैं? यस सर। तो एक बार जूम करके दिखा देते हैं कि इन्होंने आईसी निकाला था और जीआर सीट बनाया है इस आईसी का। ठीक है, आप आईसी लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ग्राफिक्स आईसी को निकाला है और दोबारा से लगाया है और जीआर को जीआर सीट बनाया है इसका, पूरा वोल्टेज के साथ इन्होंने बताया है। तो ओवरऑल कैसा लगा? बहुत अच्छा है। इसकी जगह पे कोई भी आईसी दे दे निकाल के लगाने के लिए, जीआर सीट बनाने के लिए, तो बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? इसकी सारी नॉलेज है हमें यार, कहाँ से कहाँ क्या बना रहा है। क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए जो फ्रेशर स्टूडेंट है और एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हो? सर मोस्ट वेलकम सर, जो भी ये काम सीखना चाहता है, इस फील्ड में आना चाहता है, इससे बेस्ट स्टूडेंट इसको कहीं नहीं मिलेगा सर। अगर उसको वाकई कोई सीखना है, नॉलेज लेनी है, तो एशिया टेलीकॉम इज बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ रियली नॉट एशिया, मैं कहूँगा सर वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है सर। चलिए आप देख सकते हैं सर, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे एक बार और दोबारा से देख लीजिए, इन्होंने ग्राफिक दोबारा से ला दिया। और चलिए फोन को कंप्लीट होने का वेट भी कर लेते हैं क्योंकि फोन हमारा कंप्लीट चालू था, और देखते हैं पूरा कंप्लीट फोन चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर पूरा था। तो यहाँ पर देखिए फोन कंप्लीट चालू हो गया। क्या बोलना चाहेंगे देव सर के लिए जिन्होंने आपको पूरा आईसी का पैड टू पैड को रीड करना सिखाया है? थैंक यू देव सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अ नॉलेज दैट वी कैन डू सच अ थिंग्स। वी कांट बिलीव दैट वी गाइस आर डूइंग दिस थिंग्स इन सच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट सर, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ है 28 अगस्त की बैच, यस सर, उनको लाइव है, हां सर, सब लाइव है, यस सर। क्या क्लास थी आज हमारी? ग्राफिक्स आईसी सर, ग्राफिक आईसी, ग्राफिक्स की, मोबाइल के ग्राफिक्स की आई थी हमारी क्लास। तो ये बताइए मेरे को कि ग्राफिक्स किस किस का क्लियर है? हम सब सर, सबका क्लियर है, यस सर। किस लेवल से पढ़ा है आपको? डीप लेवल, एंडलेस सॉल्यूशन, यस सर, एक एक चीज का एंडलेस सॉल्यूशन, यस सर। अगर बात करूं रिसेट लाइन की, बात करूं आईडी लाइन की, बात करूं टी रिंग की, बात करूं डीओएसओ की, बात करूं मीपी लाइन की, बात करूं मैं 1/8 की, बात करूं -5 +5 की, और आपकी ग्राफिक्स आईसी कैसे काम करती है, एक एक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस सर। किसी को कोई दिक्कत आई क्या इस सेक्शन में? एंडलेस सॉल्यूशन है कि नहीं आपके पास? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। प्रैक्टिकल का पर्याप्त टाइम मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल सर, पर्याप्त टाइम मिला, मैं देख सकता है क्या हम? यस सर। क्या टाइम हो रहा? यस सर। तो एशिया टेलीकॉम अगर बोलता कि भैया 12 घंटे की क्लास, तो 12 घंटे होते कि नहीं होते? होते हैं बिल्कुल सर। पेट भर के प्रैक्टिकल मिलता है? यस सर। मिलता है कि नहीं मिलता है? एक 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 से प्रैक्टिकल करवाते कि नहीं करवाते? पकड़ पकड़ प्रैक्टिकल करवाते ग्रिप करके? यस सर। चलिए ठीक है, तो क्या बोलना चाहेंगे आपकी देव सर की क्लास के बारे में? आपको क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सर, एक वैल्यूएबल क्लास मिली कि नहीं मिली आपको? मजा आ गया सर, मजा आ गया। चलिए ठीक है, शुरुआत करूंगा मैं इधर से। आज हमारी ग्राफिक्स की क्लास थी, आपकी देव सर के साथ क्लास थी, क्लास के बारे में बताइए आप मेरे को।
सर एक नंबर की बिंदास क्लास, एक नंबर का किस लेवल का पढ़ाया आपको? बिल्कुल डीप लेवल से, गहराई से बिल्कुल। तो एक ग्राफिक्स, एक मोबाइल में हर चौथे मोबाइल में कॉमन फॉल्ट आता है कि सर हमको ग्राफिक्स की प्रॉब्लम है। तो अब ग्राफिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि नहीं आपके पास? 100% एंडलेस सॉल्यूशन है। एंडलेस। और अगर स्कीमेटिक डायग्राम नहीं हो तो वो भी सॉल्यूशन है आपके पास? हाँ, बिना सबके पास है। यस सर। विदाउट ग्राफिक, विदाउट स्कीमेटिक ग्राफिक्स का सॉल्यूशन? यस सर। है कि नहीं है आपके पास? यस सर। बताना नहीं है भाई, है ना लाइव? नहीं सर। चलिए ठीक है, तो ओवरऑल मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपको, तो कैसी लगी आपको क्लास सर की आज? सर वास्तव में हमें बहुत ही अच्छी मतलब गहराई से ट्रेनिंग दी जा रही है, बहुत ही अच्छा, हम 100% सेटिस्फाई हैं। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, थोड़ा नाम बताइए अपना। राजेश्वर नाम। राजेश्वर कहाँ से हो भाई? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हो राजेश्वर। ग्राफिक्स की क्लास थी आपको, कैसी लगी आपको ग्राफिक्स की क्लास? देव सर के साथ थी, कैसा नॉलेज है सर का पढ़ाने का और आपको कितना सरल करके बताया ग्राफिक्स? नॉलेज सर का तो बहुत ही अच्छा है सर। हाँ। और डीप लेवल की जानकारी दी है सर ने। अच्छा। इसलिए ग्राफिक्स का जितना भी अभी फॉल्ट आएगा तो हम सोल्यूशन कर सकेंगे सर। चलिए ठीक है, तो आपने क्लास में पूरा प्रैक्टिकल किया है? हाँ सर किया। तो आपको वोल्टेज का मेजरमेंट किया है, जीआर का मेजरमेंट किया है, सीपीयू के नीचे की ट्रेसिंग करी है आपने? करी है सर। किस किस ने सीपीयू का, सीपीयू उठा के नीचे की ट्रेसिंग करी है? एक एक बॉल की ट्रेसिंग करी है? यस सर। डिस्प्ले कनेक्टर से लेके सीपीयू तक? यस सर। और डिस्प्ले कनेक्टर से लेके पावर तक? यस सर। डिस्प्ले कनेक्टर से लेके आपकी ग्राफिक्स आईसी तक? यस सर। ग्राफिक्स आईसी की पेड लाइन तक? यस सर। ट्रेसिंग करी है ना आपने? यस सर। और डीएसओ का भी यूज करा है? इसके इसके बिना, इस डीएसओ के बिना बताइए मेरे को कि इसके बिना आप ग्राफिक्स बना सकते हैं क्या? नहीं सर। कितना इम्पोर्टेंट है इसका? बहुत इम्पोर्टेंट सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम गणेश, मैं उत्तराखंड से हूँ जी। आज हमारी ग्राफिक की क्लास थी जी, इसमें हमें ग्राफिक के बारे में बताया गया है जी। हमको ऐसा नॉलेज है कि हम बिना डायग्राम के हम ग्राफिक का बता सकते हैं किसमें कितना बोर्ड आ रहा है, किसमें आउटपुट कितनी आ रही है। आपने ग्राफिक्स से मतलब डायग्राम से सर्च करा कि नहीं सर्च किया? सर्च किया ग्राफिक्स का मतलब डायग्राम का सहारा लिया कि नहीं लिया आपने? लिया कि नहीं लिया आपने? लिया, जहाँ पर जरूरत, जहाँ पर हमें लगता है कि ग्राफिक के डायग्राम की जरूरत है वहाँ पर हमने डायग्राम की ली। हाँ। और जहाँ पर हमें जो हमें ऐसे बता सकते हैं कि कुछ है जहाँ पर डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो आपने आईसी की पेड लाइन ली? यहाँ पे पेड लाइन ली, मतलब कनेक्टर से लेके आईसी की सीपीयू की पेड लाइन तक आपने चेक किया? पूरा चेक किया। पावर उठा के पावर की पेड लाइन चेक करी आपने? चेक की पेड लाइन। आपको कहाँ कहाँ से वोल्टेज आना है, कहाँ कहाँ से आपको फ्रिक्वेंसी आना है, ये पता है आपको? और इसका इस्तेमाल किया कि नहीं? इसका डीएसओ का भी, इसका फ्रिक्वेंसी के लेने के लिए, फ्रिक्वेंसी के लिए आपने इस्तेमाल किया है? इसका इस्तेमाल किया। आप बहुत सारी जगहों पे डीएसओ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बताना नहीं है आपको कहाँ करना है, आपको पता है ये? पता है। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम दीपक पोद्दार है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। हाँ दीपक, आज हमारी क्लास देव सर के साथ ग्राफिक्स आईसी की थी जी। सर ग्राफिक्स आईसी में कनेक्टर में कंपोनेंट रहे या ना रहे उसकी डेटा बनाने के हमारे सिखा दिए सर ने, क्या कितना वोल्टेज कहाँ से आता है, इनपुट से कितना आता है, ग्राफिक्स के मीपी लाइन कहाँ से आते हैं, कहाँ डायरेक्ट लगे वाली कहाँ रहते हैं, उसको कैसे चेक करना है, और इस मशीन से डीएसओ मशीन से मीपी लाइन की चेकिंग करनी है सिखाई है सर ने, कैसे करनी है, और ग्राफिक्स आईसी में जो जितने आईसी रहती है उतनी उसके इनपुट वोल्टेज और उसके कमांड लाइन वगैरह सब एकदम डीप लाइन पैड लाइन से लेके पूरा सिखा दिया सर ने, और हम उस सीपीयू को निकाल के पूरा एक एक पैड लाइन को चेक किया है हमने। कैसा लग रहा है आपको? सर बढ़िया लग रहा है, ये हमें पहले आता ही नहीं था, और कमांड लाइन या इनपुट लाइन ये पूरे मालूम ही नहीं थे, उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है तो पता ही नहीं था, तो पूरा एंडलेस नॉलेज मिल गया। आज की बात करूँ कि कल आप यहाँ क्लास में आए और आपको मैं अगर तीन बोर्ड दे दूँ आपको जिसमें ग्राफिक्स से बिल्कुल बना पाऊँगा, ग्राफिक्स की पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट। नमस्ते सर, मेरा नाम सेवन चौधरी, मैं टारसी से हूँ। आज हमारी ग्राफिक्स की क्लास थी जी। आज ग्राफिक की क्लास में मालूम चला कि हमने आज तक हमारा कितना नुकसान कर लिया। अच्छा, इतना अच्छा सलूशन मिला सर कि मतलब इतने इजी वे में सर ने बताया हमको कि आप मतलब वहाँ बैठे बैठे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये इतने इजी वे में होते, मतलब सर ने समझाया जब इजी लगा, नहीं तो हमको तो समझ में नहीं आता, नुकसान ही होता था हमारा पूरा, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे जाना है, कितना इनपुट आउटपुट वोल्टेज, मतलब कितनी चीज़ें का उपयोग होता है, वो सारा आईसी में कितना आता है, सीपीयू से क्या आता है, पूरी चीज़ें बताई गई हैं,
और उसके बाद DSSO भी हमको चेक करवाएगा जो कि ये है मशीन, इससे काफ़ी यूजफुल है ये उसके लिए हमारे, मतलब इसके बिना तो काम चलना भी हमारे उसके लिए। एक आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, कि ये खाली आपने किया कि पूरी क्लास ने किया? सर ये वन बाय वन हर एक बच्चे ने एक एक करके टेस्ट किया सारी चीज़ें, इससे का उपयोग जहाँ जहाँ कर सकते हैं, अब वो उपयोग तो यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, तो सर जब पढ़ा के पहुंचाते हैं तो उसका यहाँ प्रैक्टिकल होता है कि यहाँ भी थ्योरी होती है? ना ना सर, यहाँ प्रैक्टिकल होता है कि थ्योरी होती है? यहाँ प्रैक्टिकल होता है सर, पूरा प्रैक्टिकल होता है। यस सर, पेट भर के प्रैक्टिकल करवाते हैं सर, जब तक हमारे मतलब पूरा हो ना जाए हमको छोड़ते नहीं है, पूरा कंप्लीट एक एक बच्चे का पूरा मतलब जो एसिटली काम का जो मैनेजमेंट है पूरा देखता है, मतलब जब तक हमारा डाउट क्लियर नहीं होता है, पूरा कंप्लीट नहीं होता है, जब तक जाने का कोई चांस नहीं। क्या बोलेंगे अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, अगर मध्य प्रदेश से या हिंदुस्तान के कोई भी क्षेत्र से अगर स्टूडेंट आना चाहता है, आपकी ईमानदारी से बताओ कि आपकी क्लास में फ्रेशर कितने बैठे हैं यहाँ पर? सर लगभग पूरे फ्रेशर है। पूरे फ्रेशर है, पूरे फ्रेशर। तो पूरे फ्रेशर जो उनको एक डर होता है कि क्या सर मैं 30 दिन में सीख पाऊंगा क्या मैं, तो उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? भाई साहब मतलब जो भी भाई लोग हमारे सुन रहे हैं, अगर एशिया टेलीकॉम में आते हो आप। अच्छा चलो, एक आपसे एक प्रश्न हो रहे हैं, क्या आपने तीसरे दिन एक चालू मोबाइल से पावर निकाल के लगाया था? वही वही। क्या आपने चालू मोबाइल से पावर निकाल के लगाया था? क्या चौथे दिन आपने CPU निकाल के लगाया था? यस सर। आप लाई हो? यस सर। ये बिना फीस देके बैठे हो क्या आप यहाँ पर? नहीं सर। विदाउट फीस से बैठे हो क्या? नहीं सर। फीस देके बैठे हो ना? यस सर। हाँ, तो आप झूठ बोलोगे क्या? बिल्कुल नहीं सर, उससे हमारा फायदा ही नहीं है कि वो झूठ बोले, जो मिला है हमको वही बता रहे हैं कि हमको मतलब फ्रेशर होने के बाद तीसरे दिन में लाइव चालू मोबाइल से पावर IC लगवा दी, वो मोबाइल चालू हुआ, उसके बाद हमने फोर्थ डे लाइव मतलब मोबाइल से फर्स्ट डे थर्ड डे तो पावर जियो से लगाया था, लेकिन फोर्थ डे मैंने 5A मोबाइल था MI का, उससे मेन CPU उठा के और उसको रिवॉल्व करके लगा के फिर उसको भी ऑन किया सर। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ है अभी सर? अब पहले तो कुछ भी नहीं, मैं बोला ICR टेलीकॉम जो भी ज्वाइन करेगा हर चीज़ मिलेगी, यहाँ पर क्या है मतलब आए थे तो थोड़ा महसूस होता था फ्रेशर है क्या मालूम क्या हो क्या नहीं, लेकिन जब सर का पढ़ाने का तरीका देखा, समझाने का तरीका देखा, मैनेजमेंट जो भी है उनका सहयोग देखा, तो मतलब कॉन्फिडेंस आया, नहीं अब तो कर लेंगे हम, मतलब सर ऐसा बोलते बंद होगा और क्या होगा, होगा चालू, एक बार में नहीं होगा 10 बार में होगा लेकिन होगा, तो लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो हमको मतलब जो इनपुट हमको मिलता है, एनर्जी मिलती है, मतलब हमारी टेक्निकल भाषा में जो हमको सिखाई जा रहा है, हाँ। उससे जो जोश आता है सर, उससे हमको डर लगना तो बंद हो गया। तो ये बताइए मेरे को कि आज देखो CPU निकालना लगाना एक अलग बात है, तो कोई आपने वो CPU भी निकाला लगाना तो खाली एक बार किया क्या आपने? नहीं सर, नहीं सर, एक बार किया क्या? नहीं सर, है ना, एक एक ने चार चार पांच पांच बार लगाया है ना। अब उसके बाद मैं बात करूं लाइनों की, तो लाइनों की फर्स्ट आपकी बैटरी की क्लास थी जी सर, है ना, बैटरी कनेक्टर की क्लास थी, बैटरी कनेक्टर के बाद सेकंड में आया आप ऑडियो, आया आपका ऑडियो भी कल कितना एक्सलेंट हुआ, बहुत सर बहुत बढ़िया हुआ, बहुत मजा आया। और आज ग्राफिक्स शानदार सर, बहुत मतलब क्योंकि धीरे धीरे जैसा हम टाइम एक्सपेंड करते जा रहे हैं वैसी वैसी हमको क्या हो रही है, नॉलेज मिलती जा रही है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते जा रहा है, मतलब बहुत नॉलेज गेन हो रही है। और मतलब देव सर से तो इतना मतलब समझाने का तरीका सर मैं बोल नहीं सकता, और उनका एनर्जी लेवल देख के हमको अपने आप में शर्म आती है, क्योंकि मतलब सर जब खड़े होते हैं उसके बाद जो स्टार्ट होते हैं उनका एनर्जी लेवल डाउन ही नहीं होता, शाम को हम वही बात करते हैं जब बैठते हैं कि कहाँ से इतनी एनर्जी लाते हैं। चलिए ठीक है, तो ओवरऑल आज की क्लास के बारे में बोलूँगा, तो फाइनल में क्या क्या आंसर होगा? सर फाइनल में आंसर यही होगा सर, मतलब हमारा सौभाग्य है कि हमको ACR टेलीकॉम में आने का मौका दिया गया और हम सीख पा रहे हैं यहाँ पर, और कहीं जाते तो बर्बादी थे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, शकील है, ये बिल्कुल फ्रेशर है इस फील्ड में, ये सेकंड हैंड मोबाइल का धंधा करते थे, आज क्या पोजीशन है शकील आपकी, और आज को आपके ग्राफिक्स की क्लास की बात करूँ तो आपके देव सर के साथ क्लास थी आपकी? सर बहुत अच्छी क्लास थी। क्या लेवल से पढ़ाया सर ने आपको? सर डीप लेवल से, एंडलेस था। एंडलेस था, पूरा का पूरा एंडलेस था जी सर। तो आपने यहाँ आके क्या क्या काम करा आप बताइए, थोड़ा सा विस्तृत चर्चा कीजिए आप। हमने आज ग्राफिक की क्लास थी, तो ग्राफिक का पूरा 1.8 से लेके -5 +5 और आपका तो CPU उठा के आपने CPU के नीचे की पेड लाइन चेक की जी सर, पेड लाइन चेक, एक एक पेड लाइन चेक करें जी सर, कनेक्टर से लेके CPU तक, CPU से लेके पावर IC तक, यस सर, पूरी ग्राफिक ग्राफिक IC भी सर। आपने DSO का इस्तेमाल करा? इसका इस्तेमाल करा जी सर, इसका इस्तेमाल करा जी सर, इसका भी किया
तो आपको पता है कहाँ फ्रीक्वेंसी आती है? जी सर। कैसा लग रहा है सब का? बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैं सरजाद यकूब कश्मीर। जी सर, आज हमारी ग्राफिक्स की क्लास थी जी, जो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था पहले, क्योंकि समझ में नहीं आता था कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। बस जो सुना था यूट्यूब में, यहाँ पे इतनी वोल्टेज आनी चाहिए, उतनी वोल्टेज आनी चाहिए, तो ये ऑपरेट होता है। बट आज जब जिस तरह की नॉलेज मिली हमें, तब पता चला कि हम वो सेट क्यों नहीं बना पा रहे थे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी, तो नॉलेज की प्रॉब्लम थी सर। तो आज हमने एक एक चीज़ चेक की, एंडलेस सॉल्यूशन सर जिसको हम बोल रहे हैं, आईसी से आईसी पे कौन से पैड पे, सीपीयू से कहाँ किस पैड पे ये लाइन स्टार्ट होती है, कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे ग्राफिक्स आर में जा रही है, वहाँ से कितना वोल्टेज आउटपुट निकलता है, उसका इनपुट वोल्टेज कितना होता है, हमें कौन कौन से वोल्टेज चेक करने हैं जिससे हमारा जो ग्राफिक्स है वो एलसीडी पे बने, वो सारा कुछ सर वो हमें एंडलेस सॉल्यूशन वो सारी नॉलेज आज हमें मिली, और हमने उसका पूरा लाइव यहाँ पे प्रैक्टिकल किया हर एक बच्चे ने। और इसके लिए मैं देव सर के लिए बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, उस टीम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग ऑल दिस नॉलेज। ओके थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए और कहाँ से आप? ये फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश से। जी तो बैरागी, ये बताओ मेरे को कि आज की क्लास के बारे में बताओ, और सर ने जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, ग्राफिक्स किया, अगर सर की जगह अगर कोई अगर दूसरा टीचर होता या आप किसी भी इंस्टीट्यूट में बैठे होते, तो ये सब आउटपुट होता क्या आपका? सर ऐसा नहीं है, हम दूसरे इंस्टीट्यूट में गए, ज्वाइन भी किया है। अच्छा। वहाँ जाके भी देखा सर, वैसा नॉलेज नहीं मिला जैसे देव सर से। जी यहाँ आके हमने बहुत कुछ सीखा सर, अभी तक तो हम लकीर के फकीर थे, यूट्यूब पर देख के बराबर वगैरह लाइन वगैरह चेक करते थे, मीटर चलाना, डीएसओ वगैरह, ये कुछ भी सुना भी नहीं था सर इसका। डीएसओ पे काम कर रहे हो? जी सर। आपने पूरा डीएसओ पे काम करा है? बिल्कुल किया। आपने ग्राफिक सेक्शन में डीएसओ का महत्व समझाया? जी बिल्कुल समझाया। तो खाली आपने समझाया कि क्लास के सारे बच्चों ने? सारे स्टूडेंट ने समझा सर, मेरे साथ जितने भी है सबको पता है इसका क्या मतलब है, क्या महत्व है। हम दूसरी जगह गए भी थे सर, ये पढ़ा था, बाकी हाथ नहीं लगाने दिए सर। हाथ नहीं लगाने दिए, वो समझ लेते थे, वो समझा देते। आज आपने ग्राफिक्स को कितनी तरीके से आपने डायग्नोस करा यहाँ प्रैक्टिकल क्लास में? आपने मैंने अपने हाथों से बोर्ड पे भी बनाया। ये आपने बनाया? जी सर बिल्कुल। ये कोई सर देख सकते हो आप, ये कोई किसी टीचर ने नहीं बनाया, ये किसी टीचर ने नहीं बनाया, क्या ये इन्होंने बनाया? इनका नाम भी देख सकता हूँ, विजय बैरागी लिखा हुआ है यहाँ पर। ये डिजाइन कौन कौन कर सकता है यहाँ पर? सब कर सकते हैं। डिजाइन के अलावा हम बोर्ड पे भी इसका वर्क बिना डायग्राम के कर सकते हैं। बोर्ड पे भी वर्क कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपने पेड लाइन सीपीयू तक की पेड लाइन बनाई है आपने? जी सीपीयू भी उठा के हमने पेड लाइन चेक की है, भविष्य में कभी ये आएगा हमारे सामने तो हम यही कर देंगे। और यूनिवर्सल आईसी सर पता तो अब चला कि यूनिवर्सल भी होती है। जी तो चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम सुधीर कुमार है जी, और देव सर का क्लास था आज ग्राफिक्स का। हाँ। और बहुत ही डीप लेवल और सीमेटिक और हर एक चीज़ के साथ बताया, लेकिन जो भी सीमेटिक में बहुत ऐसा चीज़ है कि नहीं दिया गया जी। और सर जो है कि अपना एक्सपीरियंस भी बहुत डीप लेवल पर शेयर करते हैं जी, हर एक चीज़ डिटेल में बताते हैं। बहुत सी लाइनें हैं जो सीमेटिक में दिया हुआ है और उस पर बहुत सारी चीज़ें, वोल्टेज वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। हाँ। और बहुत सारे एरर भी होते हैं, बहुत सारी सिमेट्रिक के भी भरोसे आदमी नहीं बना पाएगा, लेकिन सर जो वो तरीका बताए हैं, वो नियम बताए हैं इस तरह कि आदमी कम समय में ज़्यादा सेट बना सकता है जी, इस तरह का नॉलेज। तो ओवरऑल मैं पूछना चाहूँगा कि आप सर से नॉलेज लेके आए, तो वही नॉलेज आपने पूरा पीसी पे, यहाँ पर जो पीसी भी देते हैं, हम ट्रेसिंग की करवाते हैं, ट्रेसिंग की पीसी भी देते हैं आपको यूज करने के लिए, डीएसओ देते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का, यहाँ एक्सपर्ट क्वालिटी का मल्टीमीटर देते हैं आपको, हम यहाँ पर एक्सपर्ट क्वालिटी का मल्टीमीटर देते हैं, और सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, तो किसी चीज की कमी है क्या आपको? ये डीएसओ ये कॉमन है कि नहीं सबके लिए? कॉमन है सर, कॉमन है, सब उपयोग करते हैं इसका, पूरी क्लास उपयोग करती है। आपने लाइव मोबाइल में आईसी उठा के और पावर उठा के आपने सारे वोल्टेज की रीडिंग ली कि नहीं? ग्राफिक्स आईसी उठा के रीडिंग ली कि नहीं आपने? एक प्लेट के बारे में जो भी सीपीयू से पैड आ रहे हैं उसका डीएसओ से भी चेक करना बहुत ही जरूरी है, फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा तो बहुत ही दिक्कत बराबर है, जीआर मिलेगा बाकी फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा तो क्या करेंगे आप? कोई बहुत दिक्कत होगा, डीएसओ का भी उपयोग बहुत ज़्यादा है। तो सुधीर ये तुम्हारे हाथ में कब आने वाला है, तुम्हारे सेटअप पे कब आने वाला है? बहुत जल्द आएगा सर। कब आ जाएगा ये? बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा ये, बहुत जल्दी है। तो अब लग रहा है कि इसके बिना रिपेयरिंग अधूरी है? जी अधूरी है, है? जी मान लीजिए कि मार्केट में सर नंबर वन बन के रहना है, तो एक भी सेट अगर कोई मिस कर के जाता है तो दुकानदारी का
इमेज खराब होता है। बराबर है। तो एक भी बग नहीं रहे जी, अपने जीवन में एक भी बग कमी ना रहे, उसको भी दूर किया जा रहा है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, बताइए। जी सर, नाम नार सिंह है, राजस्थान से। राजस्थान से इतनी दूर, बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे राजस्थान में, फिर आपने जबलपुर को चुना, तो जबलपुर को चुना, देव सर को चुना, देव सर की टीम को चुना आपने। जी सर। तो क्या लग रहा है भाई, आज पांचवे दिन आपसे बात कर रहा हूँ मैं, छठे दिन बात कर रहा हूँ मैं आपसे, क्या लग रहा है आपको? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे हमको पढ़ाया जा रहा है ना सर, वो हमने कभी लाइफ में ना पढ़ा है और ना हमने कभी सीखा है कहीं भी, और हम काम भी करते थे मोबाइल का, ऐसा नहीं है, और काम भी सीखा है हमने कहीं। आप कहीं इंस्टीट्यूट भी जाके आए हो? एक महीना मैंने कर चुका हूँ। हाँ। पर सर हमें कुछ भी हासिल नहीं किया वहाँ से, मैंने जो मैंने यहाँ से किया है ना सर, वो यहाँ से अलावा कहीं नहीं मिलने वाला है। कहीं नहीं मिलने? नहीं सर। तो आज आपकी देव सर के साथ ग्राफिक्स की क्लास जी सर, क्या लेवल था आपको पढ़ाने का, समझाने का तरीका क्या था, क्या ग्राफिक्स आपको टफ करके दिया गया सर? नहीं सर, बहुत ईजी कर दिया है ग्राफिक को चेक करना, हम बता सकते हैं सर के कनेक्टर पे कहाँ वैल्यू आती है, कहाँ जी आर आ रहा है, कहाँ पर हमारी वोल्टेज आ रहे हैं, कितने वोल्टेज आने चाहिए, सब कुछ क्लियर है सर। सारा एक एक, मैं अगर बोलूं कि सीपीयू की सारी बॉल बता दो कनेक्टर पे जो लगी है, तो आप बता सकते हैं? एक एक बॉल बता देंगे सर। आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो कि सीपीयू की एक एक बॉल सर? और दूसरी बात सर, हमारे लिए डीएसओ से भी बताया गया है कि कहाँ से हमने फ्रिक्वेंसी चेक करनी है, क्या करना है, सब कुछ हमें डीप लेवल से बताया सर। तो एडवांस टूल के साथ आप काम कर रहे हो सर, क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग में एडवांस टूल का उपयोग नहीं करोगे, तो जब तक आप अपने लैब में, अपनी टेबल पे, अपनी दुकान पे, अपनी शॉप पे उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते सर, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा कि यार मतलब इसका उपयोग क्या है। आप ये दूसरे इंस्टीट्यूट वाले इसको हाइड करते हैं, इतना ध्यान नहीं देते हैं, है ना, और इस लेवल से पढ़ा नहीं पाते। क्या आपको दूसरी जगह जाते तो देव सर जैसा टीचर मिल पाता? नहीं सर, भविष्य में नहीं मिलेगा सर ऐसा। तो ओवरऑल मैं सवेरे की क्लास की भी बात करता हूँ, शाम की भी क्लास की बात कर सकता हूँ, तो क्या बोलेंगे आप इसके लिए? सर सुबह हमारी क्लास थी ग्राफिक थी। हाँ। सर पूरा क्लियर पढ़ाया था हमें, जो क्या होता है क्या नहीं होता है सब कुछ स्पष्ट क्लियर। यहाँ पे कुछ आके समझने की जरूरत पड़ी या डबल से थ्योरी लेने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं सर, पूरा प्रैक्टिकल था, जो सुबह पढ़ाया था उसका पूरा प्रैक्टिकल था जी, हमने प्रैक्टिकल किया था सर, पूरा क्लियर किया था, एक एक बॉल पर चेक किया था, आईसी की बॉल पर हमने कहाँ पर उसका कहाँ से आ रहा है, सब कुछ जीआर वगैरह जहाँ से निकल रहा है वो सब क्लियर किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, वरुण प्रमुख वेस्ट बंगाल कोलकाता से। हाँ, वेस्ट बंगाल कोलकाता से जी। वरुण बताइए मेरे को कि आज आपका ग्राफिक्स का क्लास था, और जिनको आप देख के आए थे एशिया टेलीकॉम में, है ना, देव रतन सर को देख के आए थे, तो ये पोजीशन बताओ मेरे को कि क्या आप उनको देख के आए थे, तो वो रिजल्ट आपको मिल रहे हैं यहाँ पर? देव सर का तो पहले पोत में पुना, पोते सर को पोते का पुना বলতে গেলে বলতে যাই যে গ্রাফিক সম্বন্ধে আমরা কিছু জানতাম যে সাধারণ একটা আইসি তুললাম, হলো কি হলো না জানি না, কিন্তু যে এত ডিপ নলেজ যে পনেরোটা পিন আইসি তুলে পনেরোটা পিনের সম্বন্ধে যে নলেজ দিল, তা মনে হয় না আর কোনো দিন আমরা ব্যাক দেবো কোনো সেটকে, সব সেটকেই করে ছাড়বো, এইটুকু বলতে পারি। আর সিপি প্রত্যেকটা বলে যে সিপিউ, এমনকি কোথা থেকে সিপিউ যায়, সেই সিপিউ তুলে সেই লাইন পর্যন্ত আমাকে ট্র্যাক করে দেখিয়ে দিয়েছে, ভালো এর থেকে আর কিছু মনে হয় না আর কিছু আছে। তো আজ আপকো কিসি ভি দেখনে কা নজরিয়া সিপিইউ তুমকো আপ ক্যা মতলব এক বাচ্চা সরিকা লাগতা কি না লাগতা আর কিছু মনে হতো না আগে, এখন আগে বুঝতে পারতাম না কি জিনিস, কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে কিছুই না, পার্সোনাল ভাবে আলাদা করে কোন কিভাবে কোথায় যাই সেটা তো ভাবতে পারতাম না, এখন তো সব প্রত্যেকটা কম্বল চোখের সামনে চলে আসছে দেখলে। তো ওভারঅল কেসা রা আপকা আজকা গ্রাফিক সেকশন কেসা রা আপকা? দারুন, খুবই ভালো লাগলো, আজকে তো খুবই ভালোই লাগলো। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी। मेरा नाम बलराम मंडल। हाँ बलराम, नेपाल से। बलराम बताइए, क्या आज ग्राफिक्स के क्लास आपकी देव सर के साथ थी, क्या कैसा लगा आपको? सर आज देव सर का क्लास नहीं यति राम्रो थियो कि जो कि प्रैक्टिकल करने जरूरी थी ना, क्या हमीर थ्योरी में सब कुरो बताइन भाव, जो ग्राफिक्स कसरी आउँछ, कुन ट्र्याकबाट कसरी कहाँ जान्छ, हैन कति कुन ट्र्याकमा कति भोल्ट आउनु पर्ने, स्विचमा कति आउनु पर्ने, त्यो सबै क्या हामीलाई थ्योरीबाटै सबै कुरो बताइदिनु भयो, जो कि प्र्याक्टिकल यति इजी लाग्यो कि प्र्याक्टिकल गर्ने नपर्ने खालको हामीलाई थ्योरी भएको थियो सर। तो यो भ्यालुएबल मिला, तो आपने ट्रेसिङ किस लेभलसे गरी,
किस लेवल से यहाँ पे ट्रेसिंग करी आपने? सर एकदम रामरो सर, दोस्तों की सीपीयू के अंदर तक का पेड़ में घुसे आप? हो सर, उसके अंदर घुसे, पावर के अंदर घुसे आप, ग्राफिक्स आईसी के अंदर घुसे आप और इसका इस्तेमाल करा? क्या ये डीएसओ? डीएसओ इसका इस्तेमाल करा आपने? हाँ सर। तो कैसा लग रहा भाई, मतलब ये यूनिक चीज है ना? यूनिक चीज है, यूनिक चीज का, यूनिक एडवांस टूल का आपको उपयोग करके कैसा लग रहा? हाँ सर एकदम बढ़िया सर, इसको जरूरत है सर, जरूरत है। हाँ सर, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। हेलो, मेरा नाम पवित्र है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। आज का मेरा ग्राफिक्स का सेक्शन रहता। पवित्र, जो सोच के आए थे वेस्ट बंगाल में विपरीत परिस्थितियों में आए हो आप, है ना? बहुत विपरीत परिस्थिति में आया है ये, थोड़ा सा मैं जानता हूँ उसके बारे में आपको, आप सबको बता देता हूँ। बहुत विपरीत परिस्थिति में आया है, कैसा एडजस्टमेंट करके आया है मुझे पता है। तो मेरा भाई, इतना त्याग, इतना बलिदान, इतनी मुश्किल से जब आप यहाँ पर आए हो, तो आपको पूरा नॉलेज मिल रहा है कि नहीं? हाँ, जितना नॉलेज मिल रहा हो तो उससे भी ज़्यादा लेना चाहिए और लेना भी चाहूँगा। हाँ। मेरे को एक चीज़ अच्छा लगता है, डायग्राम देखने का जो नज़र है वो थोड़ा चेंज हो गया। डायग्राम सबसे मेरे को अच्छा लगता है, डायग्राम देखने का, देख के उसको काम करने का। तो जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, जो शुरुआत करी है आपकी, पहली क्लास से शुरुआत करी ना डायग्राम? हाँ, थ्योरी क्लास मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट लगता है और थ्योरी सबसे जरूरी है। थ्योरी आपको देव सर से बेस्ट कोई दे सकता है? नहीं सर, देव सर जो पढ़ने का जो टेक्निक है वो अलग है। थ्योरी सबसे, मोबाइल फील्ड में थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट है। थ्योरी नहीं मालूम रहेगा तो काम कोई भी नहीं कर सकता जी। थ्योरी इम्पोर्टेंट है बहुत, उसके बाद प्रैक्टिकल दोनों ही चाहिए। दोनों ही मिल रहा है। तो किस लेवल का प्रैक्टिकल मिला? एडवांस लेवल तक जो मैं चाहता था वही मिल रहा है। वही मिल रहा है आपको प्रैक्टिकल? जरूर। तो ओवरऑल एक शब्द में पूछना चाहूँगा आपसे, तो क्या बोलना चाहोगे आप एक शब्द में? एशिया टेलीकॉम के बारे में आज आपको पांचवा छठा दिन है यहाँ पर, एक शब्द में पूछना चाहूँगा तो क्या बोलेंगे? एशिया टेलीकॉम में जो मैनेजमेंट में जिसे जो सर से जो मिलना चाहती है वो भी अच्छा है, देव सर भी अच्छा है, वो पढ़ाने का टेक्निक ही अच्छा है। उसके बाद और दूसरे भी जो प्रैक्टिकल सर है, जो मैनेजमेंट है, सब कुछ अच्छा है। इधर सब सर अपने अपना तरीके से पढ़ाता है, सबको अच्छा ही पढ़ाते हैं। तो कोई एक दूसरे से कोई ऐसा लगता है कि यार ये कमज़ोर है, ये कमज़ोर है? नहीं नहीं, सब एक ही मामले, एक ही तरह तरीका का है। वो मेहनत करते हैं कि नहीं आपके साथ? हाँ जरूर, मतलब खाली तुम्हारे साथ नहीं, पूरी क्लास के साथ मेहनत करते हैं सब, हर किसी का ध्यान रखते कि नहीं, बच्चे का इसको समझ में आया कि नहीं आया, कि क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए, ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं, ये सबको देखता है, सब क्या काम कर रहा है, सबको टेस्ट करवाता है, सबको एक नज़र से देखता है। चलिए ठीक है, आ जाइए इधर, आगे आ जाइए। मेरे साथ नेपाल से, नाम बताइए अपना। अजय कुमार सवारी। अजय, अजय आप कहाँ से भाई? नेपाल से। नेपाल से आप कहाँ से भाई? अनिल सिंह, नेपाल से। नेपाल से सुमित भंडारी, नेपाल बैठा। नेपाल से बलराम चौधरी, नेपाल से। बलराम चौधरी, नेपाल से। बाबूराम चौधरी। यार तुम्हारा नाम है ना, तुम्हारे चेहरे पे मैच नहीं कर रहा है ना, तुम अच्छे लुकिंग स्मार्ट दिखते हो, है ना, और नाम थोड़ा सा तुम्हारा क्या हो गया है ना, तो मिस होल्ट आ गए तुम्हारे नंबर पे, है ना। तो आज की क्लास के बारे में कहना चाहूँगा थोड़ा सा। हाँ। आज की क्लास थी ग्राफिक आईसी जी, जो हम लोग बहुत से रिटर्न कर भी देता था। मैं मोबाइल लाइन से ही हूँ, जो चीज़ पहले पता नहीं था यहाँ के, इतना इजी तरीका से सर ने बताया, एक ही बार में समझ में आ गया। और रही थ्योरी क्लास की, सर जहाँ पर थ्योरी पढ़ाते हैं वहीं पर प्रैक्टिकल के एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, सिर्फ एक बोर्ड में नहीं कराते हैं सर के सामने 10-12, क्योंकि हम मॉडल वाइज नहीं पढ़ा रहे, हम पढ़ा रहे हैं सीपीयू वाइज। सीपीयू वाइज पढ़ाते हैं, वहाँ पर जितनी भी आईसी है तो सभी पर टेस्ट करा के बाकायदा जब थ्योरी देते हैं उसी पर हम लोग का प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं। फिर भी सर ने एक्स्ट्रा टाइम और प्रैक्टिस के लिए दूसरे लैब में हम लोग के फुल टाइम देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इस लैब के बारे में क्या बोलोगे आप? ये बहुत ही शानदार है, भारत की एडवांस लैब है कि नहीं है? यहाँ पर जो टूल्स है सब अभी के एडवांस लेवल का, जैसे कि मल्टीमीटर, जैसे कि हार्ट गन, और ये अभी अभी नया जो फ्रीक्वेंसी टेस्ट करने के लिए डीएसओ भी हम सब। ये तुमने उपयोग करा कि पूरी क्लास नहीं? सभी सभी ने उपयोग किया सर, ये सभी ने उपयोग किया इसका। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला, मैंने गारंटी दी है कि आने वाले टाइम में मैं एक एक बच्चे को डीएसओ दूंगा, जिस जिस एक एक बच्चे को डीएसओ दूंगा, उसको उठना नहीं पड़ेगा, वहीं पे चेक करेगा वो। जी सर, आज की क्लास यही ग्राफिक में फुल इनलेस सोल्यूशन मिला, और सर ने मैंने एक सेट दिया था वही डायग्नोस के लिए, सर ने उसको भी प्रैक्टिकल के वहीं पर दिखा दिया किस चीज़ का फॉल्ट है, बहुत अच्छा लगा जो वो देखकर। तो
तो तरीका कैसा लगा आपको काम का पढ़ाने का? कैसा तरीका लगा आपको? चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, वो भी नेपाल से है, नाम है इनका सुमित भंडारी। सुमित भंडारी की जवानी पूछेंगे, भाई आज की क्लास देव सर के साथ कैसी लगी? एकदम बढ़िया लगी सर। किस लेवल से पढ़ाया आपको? एकदम रामरो पढ़ाऊंगा, एकदम इंडलेस समय पढ़ाऊंगा। तो थोड़ी सी सर की एनर्जी के बारे में बात करूंगा। सर को एनर्जी यति रामरो छ, यति स्पेशल छ, एकदम सर को अगाडि बस्नु पनि हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। सर एकदम मलाई त अघि पनि अलिकति त्यो गाह्रो भयो सर को अगाडि पढ्न, यति एकदम धेरै एनर्जी छ सरमा। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा एक बार, एक चीज आपसे सबसे पूछना चाहूँगा, कौन देव सर जैसा एनर्जी जेटिक पर्सन बनना चाहता है? हम सब सर जैसा बनना चाहता है। हम सब आपके आइडियल है वो? यस सर। वेरी गुड। तो ओवरऑल एक शब्द में पूछना चाहूँगा, क्या बोलेंगे आज के जो क्लास हुआ आपका ग्राफिक का, एक शब्द में पूछना चाहूँगा क्या बोले? एकदम ग्राफिक क्लास। चलिए थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, ये भी नेपाल से है, नाम है इनका अनिल सिंह। अनिल सिंह? हाँ सर। अनिल सिंह, इनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, तो ये स्माइल का राज क्या है भाई बताओ? नॉलेज अच्छा मिल रहा है? हाँ सर। हाँ, खुशी होती है एकदम? अभी 10:30 बज रही है, उसके बाद भी थकान लग रही क्या चेहरे? नहीं, 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 किसी के भी चेहरे पे थकान है क्या? अगर मैं बोलूं कि 2 घंटे की क्लास और तो बताओ अनिल, क्लास के बारे में बताइए। आज क्लास उसको थियो ग्राफिक्सको थियो, आज ग्राफिक्समा आज हामीलाई जस्तो थाहा थिएन, मलाई ग्राफिक्स भनेको कुरा थाहा थिएन आज, तर आजदेखि थाहा पायो यस्तो यस्तो प्रब्लम आउँछ, यस्तो के हो, पुरै जिरो लेभलदेखि इङ्ग्लिससम्म सिकाउनु भयो। थ्योरीमा पनि थ्योरी प्लस प्र्याक्टिस भयो, त्यसरी फेरि अर्को ल्याबमा आएर प्र्याक्टिकल भयो, पुरै इङ्ग्लिस तरिकाले भयो। थ्याङ्क यू। मेरो साथ एक स्टुडेन्ट है, मेरा नाम अजय कुमार चौधरी। राजकुमार चौधरी, तो अजय कुमार चौधरी, अजय कुमार चौधरी, अजय कुमार चौधरी, आज की ग्राफिक्स की क्लास थी देव सर के साथ। हाँ। और आप अपनी जुबानी बताइए, आपको कैसी लगी? नेपाल से लोग देख रहे हैं आपको बहुत, और बहुत अच्छा। क्या क्या संदेश देना चाहोगे उनको, और क्लास कैसी लगी? सबसे पहले क्लास के बारे में बात करूंगा। आज का क्लास था हमारा ग्राफिक सेक्शन का, और सर ने बहुत अच्छा से समझाया कि ग्राफिक सेक्शन में कैसे कैसे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, कैसे चेक करते हैं, उसका इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज कैसा होता है, वो हम सर ने सब क्लियरली तरीका ले शुरुआत कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है बहुत अच्छा से बताया। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, वन मोर स्टूडेंट, नाम है इनका अहमद, ये हैं महाराष्ट्र से। अहमद बताइए मेरे को कि क्लास के बारे में बताइए, देव सर के साथ आपकी ग्राफिक्स की क्लास थी, आप काफ़ी टाइम से काम भी कर रहे हैं, तो अभी में और ग्राफिक्स में, अभी पढ़ने के बाद ग्राफिक्स का देखने का नज़रिया कैसा बदला? बदला बिल्कुल बदला, इम्प्रूवमेंट हुई बहुत ज़्यादा। तो आज आपकी देव सर के साथ क्लास थी, क्या लेवल था पढ़ने का आपका? डीप लेवल था, बहुत मस्त लगा पढ़ने में, मज़ा आया। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? यस। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? No. और आपको प्रैक्टिकल पे पूरा समय मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला है, प्रैक्टिकल मिला, प्रैक्टिकल मिला। तो बताइए आप मेरे को कि ओवरऑल अगर एक शब्द में पूछना चाहूँगा आज की क्लास के बारे में, देव सर के बारे में, तो क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल क्या बोलेंगे, एकदम डीप लेवल से पढ़ा है, मजा आया। डीप लेवल से पढ़ा, पैसा वसूल है, बोल सकता हूँ मैं? सबका पैसा वसूल है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?